दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि नकारात्मक ऊर्जाएं घर में किस प्रकार प्रवेश करती हैं और किस प्रकार बड़ी आसानी से उन्हें दूर भी किया जा सकता है। और काफी लोगों के घरों में ये परेशानी होती है कि उनके घर पर किसी न किसी की नज़र हमेशा ही लगी रहती है और वहाँ पर जितने भी लोग रह रहे होते हैं उस परिवार में जितने भी लोग होते हैं उनके जीवन में कुछ ना कुछ हमेशा ही बिगड़ता रहता है। तो ऐसा अक्सर क्यों होता है और कैसे इसे बड़ी आसानी से ठीक भी किया जा सकता है, ये आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। इसीलिए इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से सुनते रहें क्योंकि ये ऐसी जानकारी है जो हर एक व्यक्ति के जीवन में और हर एक व्यक्ति के घर में निश्चित ही उसे इस परेशानी का सामना करना ही पड़ता है। और ऐसा अक्सर क्यों होता है कि बहुत ज़्यादा परेशानी होने लग जाती है, एक के बाद एक काम बिगड़ने लग जाता है, इस बात के पीछे का कारण अगर आप जानेंगे तो बिल्कुल ही हैरान रह जाएंगे। तो बिल्कुल ध्यान से सुने। सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय हर हर महादेव अवश्य ही लिख दें जिससे भगवान शिव की कृपा पर हमेशा बनी रहे। तो दोस्तों आपको बता दें कि इस दुनिया में दो प्रकार के जगत कार्य करते हैं। जैसा कि हमने पिछले काफ़ी वीडियोज़ में भी आपको बताया है कि अदृश्य जगत होता है और एक दृश्यमान जगत होता है। एक वह जगत जिसे हम सब अपनी आंखों से देख सकते हैं, एक दूसरा जगत वह होता है जो आंखें बंद करने के बाद दिखाई देता है और बस वहीं पर सारी सकारात्मक ऊर्जाएं नकारात्मक ऊर्जाएं वहीं पर वास करती हैं। इसीलिए जितनी भी ये नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं जो आपके घर में प्रवेश कर जाती हैं, जो जगह जगह पर छुप कर बैठी होती हैं, इनका बिल्कुल भी पता नहीं लग पाता है कि ये कहाँ पर छुप कर बैठी हैं और कैसे घर के लोगों पर असर डाल रही हैं। लेकिन आपको बता दें कि अगर ये घर में प्रवेश कर जाती हैं तो सारी चीज़ों को बिल्कुल बिगाड़ के रख देती हैं। वहाँ पर रह रहे लोगों के मन में बिल्कुल भी शांति नहीं हो पाती है, हमेशा ही तनाव सा बना रहता है, चिंता घबराहट उन्हें रात को सोते समय अवश्य ही होती रहती है। इसीलिए यही वजह रहती है कि जो व्यक्ति रात में सो जाते हैं तो अचानक से उन्हें कुछ बुरे बुरे सपने आते हैं और एकदम से ही उनका पूरा शरीर ही बिल्कुल कांप उठता है। तो ये पूरी तरह से संकेत करता है कि कोई ना कोई नकारात्मक शक्ति आपके घर में जरूर ही वास करती है, क्योंकि ऐसा केवल तभी होता है अगर आप सो जाएं और शांति से सो रहे हैं, लेकिन अचानक से अगर ऐसा होता है तो तुरंत ये तो समझने वाली यही बात है कि नकारात्मक ऊर्जाएं जब बाहर से कुछ करती हैं तभी शरीर को विचलित जैसा महसूस होता है। काफी बार ऐसा भी होता है कि जो शत्रु होते हैं, जो आपसे जलन खाते हैं, वे आप पर कुछ ना कुछ तंत्र क्रियाओं को करवा देते हैं, काला जादू जैसी समस्याओं को करवा देते हैं, जिससे हमेशा ही मन में ऐसा तनाव सा बना रहता है कि कोई व्यक्ति ढंग से और सही से कार्य कर भी नहीं पाता है। आपको ये भी बता दें कि अगर किसी व्यक्ति के मन में, दिमाग में तनाव या डिप्रेशन जैसी स्थिति बन जाती है तो उस व्यक्ति की जो कार्य क्षमता होती है वो बिल्कुल उसकी 5% ही रह जाती है। और बस शत्रुओं का यही खेल होता है, यही उनका टारगेट होता है कि आप पर अगर ऐसी चीज़ों को करवा देते हैं तो फिर तो सारे कार्य बिल्कुल बिगड़ने बिल्कुल निश्चित ही हो जाते हैं। क्योंकि अगर किसी व्यक्ति का दिमाग ही बिल्कुल ठीक नहीं है तो उसे छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आना, एकदम से बहुत ज़्यादा दुख फील होना और एकदम से ही उसे बहुत ज़्यादा डर लगना, भयभीत हो जाना, ऐसी समस्याएं फिर उसके जीवन में होने लग जाती है। लेकिन इस चीज़ के लिए आपको बिल्कुल भी निराश और परेशान होने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इस चीज़ को बड़ी आसानी से ठीक किया जा सकता है। वैसे तो काफ़ी सारी साधनाएँ होती हैं जिनके माध्यम से इसे ठीक किया जा सकता है, लेकिन ये साधनाएं इतनी जटिल होती हैं कि इन्हें हर कोई नहीं कर सकता है। इसीलिए कुछ खास चीज़ों का प्रयोग अगर कर लिया जाए तो इन चीज़ों से बचा जा सकता है। आपको ये भी बता दें कि जब भी किसी व्यक्ति के साथ ये परेशानी होती है, जैसे उसके ऊपर नकारात्मक ऊर्जाएं, कोई तंत्र क्रियाएं आदि वगैरह हो जाती हैं, तो ऐसे में अगर वह कोई भी मंत्र जाप करता है तो उसका सारा फल वह अदृश्य शक्ति जो नकारात्मक होती है वही बिल्कुल चुरा लेती है, जिसका कोई भी लाभ फिर उस व्यक्ति को ना तो मिल पाता है। वह मंत्र जप तो करता रहता है, साधना भी करता रहता है, लेकिन वह ठीक हो नहीं पाता है। और केवल इसीलिए ठीक नहीं हो पाता है क्योंकि जितना जाप वह करता है सारा नकारात्मक ऊर्जा चुरा लेती है और उसे कोई भी लाभ मिलने ही नहीं देती है, यानी कि बड़ी आसानी से उसे नहीं छोड़ती है। इसीलिए इन चीज़ों को बेहद खतरनाक बताया जाता है। तो इसीलिए जिस व्यक्ति को ये समस्या हो जाती है तो वह खुद से अपने आप बिल्कुल भी ठीक नहीं कर पाता है, क्योंकि अगर कोई साधना करेगा तो उस साधना का लाभ उसे नहीं मिल पाएगा। इसी प्रकार कोई पूजा पाठ भी अगर करता है, कोई भगवान से मदद भी मांगता है, तो वहाँ पर उसका भाव, उसका ध्यान नहीं लग पाता है। यहाँ तक कि सच्चे मन से, सच्चे भाव से भी वह भगवान से बोल तक नहीं पाता है, क्योंकि ये तंत्र क्रियाएं, ये काला जादू, जितनी भी समस्याएं होती हैं ये शरीर के अंदर वास बना दिया जाता है और अंदर ही अंदर बैठकर सारी चीज़ों को बिगाड़ने लग जाती है। और इन चीज़ों को केवल वही समझ सकते हैं जिनके जीवन में ये सारी परेशानियाँ होती हैं। तो आपको बता दें कि अगर आप तंत्र बाधा कवच को पहन लेते हैं तो तुरंत ही हर प्रकार की, जैसे कि तंत्र क्रियाएं होती हैं, काला जादू की समस्याएं होती हैं, कोई भी किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्ति, अदृश्य शक्ति अगर आपको परेशान करती है
तो वह तुरंत बिल्कुल डरकर भाग जाती है। तंत्र बाधा कवच पहनने मात्र से ही यह कवच अपने आप ही कार्य करने लग जाता है, खास करके जिन लोगों पर तंत्र क्रियाएं हो चुकी हैं, जिन्हें अदृश्य शक्तियां, भूत प्रेत आदि बहुत ज्यादा परेशान करते हैं। किसी भी प्रकार की कोई भी नकारात्मक शक्ति अगर परेशान करती है तो इसे पहनना बहुत ही ज़्यादा खास और विशेष होता है, और ये आपकी सुरक्षा के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक भी होता है, क्योंकि तंत्र क्रियाओं में जब कोई अदृश्य शक्ति अगर आपको परेशान करने लग जाए तो इसका सीधा प्रभाव दिमाग पर पड़ता है। और जैसा कि आप जानते हैं कि जितनी भी चीज़ें होती हैं वो केवल दिमाग से ही करी जाती हैं, बाहर की चीज़ें, अंदर की चीज़ें जितनी भी हों, और अगर किसी व्यक्ति के दिमाग पर ही कोई अदृश्य शक्ति असर डालने लगे तो उस व्यक्ति का दुख का क्या हाल हो सकता है, ये आप खुद भी समझ सकते हैं। लेकिन जैसा कि हमने आपको बताया है, तंत्र बाधा कवच पहनने मात्र से ही बिल्कुल ठीक हो जाता है, और ये आप हमारी संस्थान से इसे बड़ी आसानी से अपने नाम और गोत्र से सिद्ध अपनी जन्मतिथि के अनुसार बनवा सकते हैं, और इन हर प्रकार की समस्याओं से निश्चित ही और तेजी से छुटकारा पा सकते हैं। आपको बिल्कुल भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है। ठीक इसी प्रकार आपको ये भी बता दें कि जब भी आपको ऐसा लगता है कि कोई बाहर से कोई शक्ति, कोई नकारात्मक शक्ति, अदृश्य शक्ति आपको परेशान कर रही है, तो आप जरूर अपने पास अपने घर में पीली सरसों अवश्य रखा करें, और इस पीली सरसों की जो धुनी है वो रोज सुबह और शाम के समय देना शुरू कर दें, क्योंकि पीली सरसों की जो धुनी होती है इससे यह नकारात्मक जो अदृश्य शक्तियां होती हैं बहुत तेजी से डर कर भागती हैं, क्योंकि पीली सरसों एक ऐसी वस्तु है जिसकी तासीर काफी गर्म होती है और इसकी जो गंध होती है वह काफी ज्यादा तीव्र होती है। अगर इसे ध्यान से सूंघा जाए तो ये बहुत ही ज्यादा सीधा दिमाग पर असर करती है, और बस यही तीव्रता जो इसकी है यह अदृश्य शक्तियों को तुरंत जाकर चुभती है, जिससे वह सारी नकारात्मक जितनी शक्तियां होती हैं तुरंत भाग खड़ी होती हैं। बल्कि अगर आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जो इन चीज़ों से परेशान रहता है तो अवश्य ही उसे पीली सरसों का ये जो उपाय हमने आपको बताया है इसे अवश्य ही करने को बोलें, इससे काफ़ी ज़्यादा लाभ और आराम मिलता है। ठीक इसी प्रकार अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिस पर ये जितनी भी समस्याएं हमने आपको बताई हैं आपको देखने को मिलती हैं, या ऐसा व्यक्ति जो इन समस्याओं से परेशान हो, तो अगर उस व्यक्ति पर धूमावती मंत्र को पढ़कर गंगा जल के छींटे अगर लगाए जाते हैं तो इससे भी वह तेजी से ठीक होता है। धूमावती मंत्र जो होता है, धूमावती माता जो होती है, ये महाकाली से उत्पन्न हुई 10 महाविद्याओं में आती हैं, और धूमावती माता को 10 महाविद्याओं में सबसे अधिक प्रचंड माना जाता है। बल्कि इस दुनिया में जितनी भी अदृश्य नकारात्मक शक्तियां हैं, बड़ी से बड़ी कितनी भी नकारात्मक शक्तियां ही क्यों ना हो, धूमावती माता से सारी ऐसे डर कर भागती हैं कि जैसे ही उस व्यक्ति पर गंगा जल हाथ में लेकर धूमावती मंत्र को पढ़ते हुए आप छींटे मार देंगे, तुरंत आप देखेंगे कि कैसे उस व्यक्ति को तुरंत ही राहत मिलती है, और बिल्कुल इंस्टेंट तरीके से ये कार्य करता है। यहाँ तक कि अगर आपको ऐसा डर लगता है कि कोई ना कोई चीज़ें आपके घर में घूमती रहती हैं, आप परेशान रहते हैं, तो धूमावती मंत्र पढ़ते हुए अपने घर में रोजाना छींटे मारना शुरू कर दें, और फिर कितना ज़्यादा लाभ आपको मिलता है इसे देखकर आप खुद भी हैरान रह जाएंगे। किसी भी नकारात्मक ऊर्जा की इतनी शक्ति है ही नहीं कि आपके घर में प्रवेश फिर कर सके। इस मंत्र को बिल्कुल ध्यान से सुन लें, ओम धूम धूम धूमावती ठा ठा। आपको ये बता दें कि इस मंत्र में जो बीज मंत्र हैं, जो ठा ठा जब बोला जाता है तो उसको पूरे जोर से, पूरे वेग से आपको बोलना है, यानी कि अपनी पूरी अंदरूनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए बोलना है। और उस व्यक्ति पर छींटे अगर इस प्रकार मारे जाते हैं या उस घर पर छींटे मारे जाते हैं जहाँ पर ये सारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं, तो तुरंत सारी समस्याएं बिल्कुल ठीक होने लग जाती हैं। लेकिन आपको बता दें कि जो भी व्यक्ति इस प्रयोग को करे उस व्यक्ति को धूमावती साधना करना विशेष रूप से निश्चित और अनिवार्य होता है। लेकिन अगर आपने साधना नहीं करी है तब भी इस प्रयोग को किया जा सकता है, कोई भी परेशानी की बिल्कुल भी बात नहीं है। बड़ी आसानी से इन सारी चीज़ों का आप लाभ उठा सकते हैं। जितनी भी चीज़ें हम आपको बता रहे हैं ये ऐसी समस्याएं हैं जिनसे बहुत सारे लोग अपने जीवन में ऐसे परेशान रहते हैं और दर दर घूमते रहते हैं और बिल्कुल कोई भी लाभ उन्हें मिल नहीं पाता है। लेकिन इन चीज़ों को अगर आप करेंगे जो हमने आपको बताई हैं, तो इससे बिल्कुल ही आप अपनी स्वयं की रक्षा स्वयं ही कर सकते हैं। अब इसी प्रकार से आपको ये भी बता दें कि घर के आसपास जो लोग रह रहे होते हैं या घर में जो बाहर से लोग आते हैं, तो अगर आपका घर अच्छा बना हुआ है तो आपको आपके घर को देखकर जलन खाते हैं, और एक तरह से अपनी हाय, एक तरह से अपनी जो नज़र होती है जो जलन से भरी हुई होती है, आपके लिए गलत भाव को लिए हुए होती है, वो आपके घर पर चिपका कर चले जाते हैं। और ये बात तो आपने खुद भी देखी होगी कि जानी भी होगी कि नज़र जो होती है वह पत्थर को भी चीर कर रख सकती है। जैसे कि पानी होता है, अगर पानी का लगातार प्रवाह अगर किसी पर्वत पर टकराया जाए तो बड़े से बड़े पत्थर को भी
पानी चीर कर टुकड़ों में बिखेर देता है। ठीक इसी प्रकार नज़र का यह जो दोष होता है यह इसी प्रकार से कार्य करता है। अगर किसी व्यक्ति को आसपास के लोगों की बहुत ज़्यादा नज़र लगती है या उसके आसपास ऐसे लोग रहते हैं जो उसकी कामयाबी से बहुत ज़्यादा जलते हैं और उस पर हमेशा नज़र लगाते रहते हैं, उसको देख कर चिढ़ते रहते हैं, तो इस चीज़ से बचने के लिए और अपने घर को बचाने के लिए आप एक बड़ी ही ज़्यादा सरल सी और आसान सी क्रिया को कर सकते हैं। आपको केवल इतना करना है कि घर का जो मुख्य दरवाज़ा है उसके बिल्कुल वहाँ पर, जैसे कि अगर कोई घर में घुसता है तो ऐसे स्थान पर यह शीशा आपको लगा देना है जिससे जब भी कोई व्यक्ति घुसे तो सबसे पहले उसे केवल उसकी ही छवि दिखाई देनी चाहिए, क्योंकि जैसे ही उसे उसको खुद को ही वह देखता है तो उसकी जो दृष्टि भंग होता है वह दृष्टि भंग हो जाती है। उसकी जो दृष्टि होती है, जो नकारात्मक ऊर्जाएं वह लेकर आता है या जो रोष उसके मन में होता है, जो जलन जो चिड़न उसके मन में होती है, वो तुरंत उस शीशे में टकराकर उसे ही मिल जाती है और आपके घर पर प्रवेश नहीं कर पाती है और ना ही टकरा पाती है। यह चीज़ें इतनी ज़्यादा खास हैं कि इन्हीं चीज़ों से बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं लेकिन उन्हें पता नहीं होता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। इसीलिए हम हमेशा आपको बोलते भी हैं कि कमेंट बॉक्स में आप अपनी सारी परेशानियों को लिख दिया करें, जब भी हम उन्हें पढ़ते हैं तो उन परेशानियों के ऊपर निश्चित ही वीडियो बनाते हैं। इसलिए चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा के रखा करें जिससे कोई भी वीडियो बिल्कुल भी मिस ना हुआ करे। ये जो शीशे वाला प्रयोग हमने आपको बताया है ये तो हर एक व्यक्ति को निश्चित ही कर लेना चाहिए, क्योंकि आज के ज़माने में तो जिससे अगर आप दोस्ती भी कर लेते हैं और आप थोड़ा उससे आगे चलने लग जाते हैं तो सामने वाला व्यक्ति आपको देखकर चिढ़ने लग जाता है, नज़र लगाने लग जाता है और किसी न किसी रूप में आप पर हाय चिपका ही देता है और बस वहीं से ग्रह कलेश शुरू हो जाता है, नकारात्मक ऊर्जाएँ घेरने लग जाती हैं। तो ऐसे दुष्ट लोगों से खुद को बचाने के लिए ये एक प्रयोग है जो बड़ा ही ज़्यादा खास और रामबाण आपके लिए सिद्ध हो सकता है। ठीक इसी प्रकार अगर किसी भी घर में ऐसी समस्याएं होती हैं तो उस घर में हनुमान बाहुक, हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ नित्य प्रतिदिन रोज किसी न किसी रूप में एक बार अवश्य ही होना चाहिए। लेकिन जैसा कि हमने आपको बताया कि जिस भी व्यक्ति को अगर ये परेशानियां होती हैं तो वह सही से इन सब चीज़ों को कर नहीं पाते हैं, कहीं ना कहीं पर त्रुटि अवश्य ही छोड़ देते हैं जिससे उन्हें कम लाभ मिलता है। ठीक से ना हो पाने की वजह से वे पूर्ण रूप से बिल्कुल भी ठीक नहीं हो पाते हैं। तो आपको बिल्कुल भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है, आप तंत्र बाधा कवच को पहन सकते हैं। इससे आप पूर्ण रूप से बिल्कुल पहले की तरह हो जाएंगे और बाद में भी कोई भी चीज़ किसी भी प्रकार की क्रियाएं आपको परेशान कर ही नहीं सकती हैं। ठीक इसी प्रकार अपने घर को भी किलित किया जा सकता है, क्योंकि अक्सर और ज़्यादातर बार घर पर ही ये सारी चीज़ें करवाई जाती हैं और लगातार छोड़ी भी जाती हैं, घर के सभी लोगों को परेशान करने के लिए, घर में ग्रह कलेश करवाने के लिए, घर को बिल्कुल तोड़ के रखने के लिए, जिससे वह ना तो आगे बढ़ पाए ना ही अपने जीवन में कुछ कर पाए। और ऐसा अक्सर आप जानते भी हैं और अपने आसपास आप रोज देखते भी हैं। तो इन चीज़ों से बचने के लिए आप हनुमान जंजीरों कील से अपने घर को कीलित कर सकते हैं। हनुमान जंजीरा कील अगर अपने घर की चारों दीवारों पर, जो बाहर की बाउंड्री होती है, जो चार दीवारें होती हैं, उन पर ठोक दी जाए, अंदर से ही ठोक दी जाए, तो ये इससे पूरा घर कीलित हो जाता है और उस घर पर कोई भी चीज़, कोई भी तांत्रिक, कोई भी तंत्र क्रिया, किसी भी प्रकार का काला जादू बिल्कुल हो ही नहीं पाता है। तो ये दोनों चीज़ें घर की और स्वयं की सुरक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा विशेष हैं, इन्हें आप मंगवा सकते हैं। मंगवाने के लिए व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर दिया गया है। तंत्र बाधा कवच और हनुमान जंजीरा कील लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। यह लिखकर आप व्हाट्सएप पर मैसेज भेज दें और इस खास जानकारी को दूसरे लोगों के साथ अवश्य शेयर करें जो इस समस्या से परेशान रहते हैं, जिससे सभी की मदद हो सके और अपने जीवन में हर एक व्यक्ति बिल्कुल सुखी रह सके और किसी भी प्रकार की ये शत्रु वाली चीज़ें उसे परेशान ना कर पाएं। तो आशा करते हैं आपको हमारी जानकारी पसंद आई होगी। अगले वीडियो में हम आपसे मिलते हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।